हेलो गाइस, ओके। तो मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था रशियन ई वीज़ा से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी आए कि क्या है। बहुत लोगों को एक्चुअली उससे रिलेटेड डाउट, पहली बात तो ये है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ई वीज़ाज़ और वीज़ाज़ में। तो इस वीडियो में थोड़े से वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो मैं ई वीज़ा जो अभी नया आ रहा है रशिया के लिए, उससे रिलेटेड सबसे बड़ा डाउट ये है कि लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं जो पहले से एक ई वीज़ा है उससे। तो पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि अभी तक इंडियंस के लिए कौन कौन से वीज़ाज उपलब्ध हैं। तो पहली बात तो इंडियंस के लिए भी दो दो वीज़ाज उपलब्ध हैं, दो तरीके के। एक है पेपर बेस्ड वीज़ा, जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा के मिलता है, और दूसरा है कि आप ई वीज़ा ले लो। देखो, तो पेपर में ये है कि वो इशू होता है, तो उसको उसको इशू होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। और दूसरा जो है वो है ई वीज़ा। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग ई वीज़ा है उसमें एक लिमिटेशन है। उसमें पहली लिमिटेशन यही है कि अब देखो, वो ई वीज़ा जो है वो इशू होता है लगभग 8 दिनों के लिए, और मतलब ऐसे इशू होता है वो 30 दिनों के लिए, जिसमें में से आप रशिया में सिर्फ दो ही जगह विजिट कर सकते हैं, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राड। ओके, और उन 30 दिनों में से सिर्फ 8 ही दिन आप रशिया में बिता सकते हैं, वो भी कहाँ, सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राड में। लेकिन अभी जो ये नया जो ई वीज़ा आने वाला है, उसके बारे में जो डाउट है, उसके बारे में सबसे बड़ा डाउट यही है कि ये बहुत लोग जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो पहले वाले जो ई वीज़ा हैं उससे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि ये नया वीज़ा अभी तक आया ही नहीं है। इसको रशियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सिर्फ नोटिफाई किया है कि इस तरीके का कुछ ई वीज़ा सिस्टम जो है वो आ रहा है, और जो कि आएगा अभी अगले साल 1 जनवरी 2021 में। अच्छा, इसमें इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि इसमें सारी लिमिटेशंस हटा दी गई हैं। पहले क्या लिमिटेशंस थी, 30 दिनों के लिए इशू होता था, और उन 30 दिनों में से सिर्फ 8 ही दिन हम रशियन कंट्री मतलब रशिया में बिता सकते थे। लेकिन अभी ये जो वीज़ा आने वाला है, नया ई वीज़ा, ये इशू होगा पूरे 60 दिनों के लिए, और उन 60 दिनों में हम लोग स्पेंड कर सकेंगे ऑलमोस्ट मतलब पूरे पूरे 16 दिन, मतलब 60 दिनों के लिए वो इशू होगा, जिसमें वैसे 16 दिन हम लोग रशिया में मतलब स्पेंड कर सकते हैं रशिया में। और कोई बाउंडेशन नहीं होगी, मतलब कोई ये लिमिट नहीं है कि यहाँ जा सकते हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ यहाँ ही जा सकते हैं, ये पोर्ट ऑफ एंट्री होनी चाहिए। जितने भी एंट्री पोर्ट हैं, एयर, लैंड, अब सी ओशन तो है नहीं, तो जितने भी ट्रेन के जो रूट्स हैं, मंगोलिया से हो गया, चाइना से हो गया, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसमें पहली बात कोई लिमिटेशन नहीं, और हाँ, ये भी आया नहीं है, ये सिर्फ नोटिफाई हुआ है कि इस तरीके का कोई ई वीज़ा सिस्टम आ रहा है। आई होप इसमें से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो सिस्टम है, ये नया सिस्टम, ये भी आया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसको उस पहले वाले ई वीज़ा से कन्फ्यूज़ करना छोड़ दीजिए। और अभी और हाँ, इसमें 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 बहुत अच्छी बात है, पहले जो कि ई वीज़ा जो हैं और जो पेपर बेस्ड वीज़ा है जो कि आपके पासपोर्ट पे लगता है, उसमें लिमिटेशन बहुत ढेर सारी हैं। पहली लिमिटेशन है कि वो इनविटेशन लेटर, अरे यार, इनविटेशन लेटर तो मुझे समझ में ही नहीं आता। अभी मुझे अगर समझो ऐसे कि अभी मुझे रशिया जाना है, तो मेरा तो कोई है नहीं जानने वाला, तो मुझे जो ई इनविटेशन लेटर मिलेगा कैसे मिलेगा, सोचो पड़े। हाँ, तो यही मैं मुझे भी पड़ गया था सोच में कि वो इनविटेशन लेटर मुझे कौन देगा। बेसिकली ये एक टूरिज्म जैसी कंपनी, जैसे हम लोगों के वहाँ जैसे टूरिज्म वाली बहुत सारी कंपनियाँ, इंटरनेट पे अभी नाम लेना सही नहीं होगा, तो बहुत बहुत सारी टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियाँ हैं जो कि टिकट्स बुक करती हैं, होटल्स अरेंज करती हैं, अकोमोडेशन, ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरा पैकेज अरेंज करती हैं। तो उस तरीके की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं रशिया बेस्ड, वो इस इनविटेशन लेटर्स को इशू करती हैं। आप सोचिए ये क्यों बनाया गया, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और ये झंझट है और कुछ नहीं। और इसमें फर्जी, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो $20 लग ही जाते हैं,
और अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो मान के चलिए $50, और ये US डॉलर है, ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एक अननेसेसरी लोड है ट्रैवलर्स के ऊपर। तो इस नए ई वीज़ा सिस्टम में जो अभी आया नहीं है और जिसको आना है 1 जनवरी 2021 में, उसमें इसको हटा दिया गया है। इसमें मतलब कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। इनफैक्ट अभी तक जो भी दो पुराने जो दो तरीके के वीज़ाज हैं, ई वीज़ा जो सिस्टम है जो लिमिटेड है, जो कि सिर्फ 8 दिनों के लिए आप रह सकते हैं पूरे 30 दिनों में, और उसमें वीज सिर्फ आप सेंट पीटर्सबर्ग ही जा सकते हैं और लेनिनग्रैड ही जा सकते हैं, और उसमें भी मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं और टाइम भी लगता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है, तो वो सारी लिमिटेशंस हटा दी गई हैं अभी। ना बैंक स्टेटमेंट अभी इस नए वीज़ाज में जो इशू होने वाले हैं, ना अगले साल, और अगला साल आने वाला ही है, आज है 15 तारीख, तो अगला साल आने में लगभग 16 दिन हैं। इन 16 दिनों के बाद वो नया ई वीज़ा आई होप कि इशू हो जाएगा उस तरफ से, और या तो उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी अब, लेकिन अभी तक यही डिटेल्स अवेलेबल हैं डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, और ये मैं ऑफिशियल डोमेन्स की बात कर रहा हूँ, कि इसमें कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं लगेगा, कोई फ्लाइट टिकट्स नहीं दिखानी होगी। अभी तक क्या होता है, बहुत लोग डमी फ्लाइट टिकट्स दिखा देते हैं, अब उसका भी एक इशू है। अभी पहली बार डमी फ्लाइट टिकट्स जो हैं वो कोई ऑफिशियल तरीका तो है नहीं, वो सिर्फ जुगाड़ होता है, ठीक है, तो डमी डमी टिकट्स का कोई मतलब नहीं है। और अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये बात पता चली कि ये डमी टिकट्स हैं, क्योंकि डमी टिकट पे लिखा तो होता नहीं कि वो डमी टिकट्स हैं, वो सिर्फ ये होता है कि आप बाद में पे करेंगे। अब डमी टिकट जैसा असल में कुछ नहीं होता है, बस वो जुगाड़ समझ लिया गया है, तो अगर उनको पता चले ये डमी टिकट है फिर क्या हो, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। अभी नए ई वीज़ा में ना तो फ्लाइट टिकट्स दिखानी है, ना तो एकोमोडेशन दिखाना है, और ना ही बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, बस आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और आप ऑनलाइन अप्लाई करने का वो भी तरीका बहुत सिंपल होने वाला है। मतलब अभी तक तो जो होता है वैसे ही होगा, बस बहुत सारी लिमिटेशंस जो हैं उनको हटा दिया गया है, तो बस आप पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे डिजिटली, और अपने पासपोर्ट की जो सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको स्कैन करेंगे, ज़रूरी पेजेस हैं बेसिकली, तो उनको स्कैन करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, तो वो बस इतना ही चाहिए और ज़्यादा उसमें कुछ और नहीं है, और वो आपको ई वीज़ा इशू कर देंगे आपकी ईमेल आईडी पे। हाँ, और ईमेल, हाँ ईमेल आईडी पे ही आएगा यार। हाँ, तो इसमें इसमें थोड़ा सा इशू ये हो मुझे लगता है जो कि होने वाला है, क्योंकि अभी वो लोग ऐसे एंट्री तो देंगे नहीं, बहुत सारे लोग इस सुविधा का गलत उपयोग भी करेंगे, जो कि हर सुविधा के साथ होता ही है। पहला तो ये है, बहुत लोग टूरिज्म के नाम से वहाँ पर काम करने चले जाएंगे इंडिया से ही, क्योंकि इंडिया इस चीज़ में बहुत मैं कहना नहीं चाहता लेकिन असल में बहुत बदनाम है, कि बहुत लोग जो हैं इसके रूट के ज़रिए, इस टूरिज़्म के रूट के ज़रिए बहुत लोग वर्क बेस्ड हो जाते हैं उस देश में, जिस भी देश में जा रहे हैं। ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं है, हम लोगों इंडिया से तो बहुत लोग काम करते हैं पूरी दुनिया में लिटरली, तो इसमें ये होगा, तो इमिग्रेशन पे तो ये सब चेक होने वाला है, तो इस चीज़ को समझ लो कि अभी वो लोग पूछेंगे नहीं लेकिन देना तो पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट रख लेना है 1 महीने का, ओके, वो डिजिटल मत दिखाना, वो असल में जो बैंक स्टेटमेंट होती है बैंक जाकर जो इशू होता है, और जिसके वो लोग बैंक वाले फीस भी काट लेते हैं, वो ही चाहिए, और इसमें रिटर्न फ्लाइट टिकट भी होना चाहिए, रख लेना, वो उसमें पूछेंगे, और क्या हुआ, और हाँ एकोमोडेशन, और कोई प्लान्स हो तो वो भी बता देना, और अगर ट्रांस साइबेरियन जर्नी कर रहे हो तो उसकी टिकट तो पहले से ही कर लेना, क्योंकि क्या पता मिले या ना मिले। और आई होप इसमें बहुत सारे जो डाउट्स हैं ट्रैवलर्स के, वो इसमें सॉल्व हो चुके होंगे अभी तक के, क्योंकि अभी जो नोटिफाई किया गया है उसके ज़रिए तो यही समझा जा सकता है कि ऐसा कुछ आने वाला है ई वीज़ा सिस्टम, लेकिन अभी जब ऑफिशियल इसको नोटिफाई करेंगे, लॉन्च करेंगे वेबसाइट पे, तब देखते हैं। और एट दिस करेंट मोमेंट अभी तो मतलब स्ट्रिक्टली बॉर्डर जो इंडिया और रशिया के बीच में वो तो बंद है, तो अब मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद ही खुलेगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी होने ही लगा है, इंग्लैंड में मिल चुकी है,
वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोग इम्यूनाइज हो ही जाएंगे इस चीज़ से। और हाँ, मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये कहना भी नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे लाइक और शेयर, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बस दैट्स इट। ओके।